क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है इफ द लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट्स फ्री एंड इज डबल्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड विल इंक्रीजेस बाय हाउ मच। ठीक है, तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम समझना जरूरी है क्या होता है। जैसे हमारा ये एक साइड फिक्स है, दूसरे साइड भी है ना, तो इस तरीके के बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो हम जो आइसोलेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड, सपोज हमारा W हमारा जो है आइसोलेटेड लोड है और लेंथ जो है कैंटिलीवर का भी L है। ठीक है, तो केस वन में अगर हम लोग इस पार्टिकुलर सिचुएशन में जो तो डिफ्लेक्शन होगा फ्री एंड में है ना डेल्टा बी, वो क्या होता है डब्ल्यू एल क्यू बाय थ्री ई आई। अब केस टू में क्या क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट फ्री एंड इज डबल। ठीक है, अगर लेंथ को हम लोग डबल कर दे तो डिफ्लेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो केस टू जो हमारा है व्हेन एल इक्वल टू 2L। ठीक है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा हमारा सिंपली जहां पर L है वहां 2L को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3EI, तो ये हमारा जो आ गया 8 टाइम्स और WLQ बाय 3EI आ गया। ठीक है, तो कहने को मतलब हमारा 8 टाइम्स डिफ्लेक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा यदि हम लोग लेंथ को डबल करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ये हमारा 8 है ऑप्शन, तो ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड और डब्ल्यू लगाया तो डिफ्लेक्शन हमारा डब्ल्यू एल क्यू बाय 3EI होता है, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। और जितना भी कैंटिलीवर पोर्शन का लेंथ बढ़ता जाएगा डिफ्लेक्शन उस पार्टिकुलर सेम लोडिंग के लिए डिफ्लेक्शन जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।